अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा मीडियल साइड ऑफ थाई के ऊपर। ठीक है, आज हमने जो इसमें स्टडी करना है, हमने मीडियल कंपार्टमेंट देखना है। ठीक है, द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये आपका बीडी चौरासिया में मेरे पास तो चैप्टर नंबर 4 है इसका। ठीक है, मीडियल साइड ऑफ थाई का आपके पास जो भी, आप उससे रिलेट कर लेना अपने इस टॉपिक को। अच्छा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिस हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया इंटीरियर कंपार्टमेंट का, ठीक है, बेसिकली इसमें हमने मसल्स देखने हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ऐसा लास्ट में किया था कि लोअर लिम, ठीक है, किस में डिवाइड होती है, आगे थाई में, थाई रीजन में, लेग रीजन में और फुट रीजन में। तीन रीजन में हमारे पास क्या है, हमारा लोअर लिम डिवाइड होता है। उसके बाद आगे हम आगे थाई को डिवाइड करें तो वो तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। कौन कौन से कंपार्टमेंट? इंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट हमने बेसिकली जिक्र कर दिया था, उसका थोड़ा डिस्कस भी कर दिया था हमने कि इंटीरियर कंपार्टमेंट क्या था। बेसिकली हमारा इसमें सारे हमारे एक्सटेंसर्स ऑफ नी थे, ठीक है, और उसको फीमोरल नर्व सप्लाई कर रही थी। ठीक है, हमारा जो फ्रंट ऑफ थाई का पोर्शन था वो सारा क्या था, हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट था। लेकिन अब जो हमें देखने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हमारा मीडियल साइड है, मीडियल कंपार्टमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एडक्टर, एडक्टर साइड ऑफ थाई। ठीक है, एडक्टर्स ऑफ द नी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास नी के एडक्टर्स हैं और इसके अलावा इसमें ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो इसकी मेन नर्व जो सप्लाई करती है। ओके, हम लोग इसको देखते हैं। ये बेसिकली इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये सारे हमारे पास दिखाए हुए हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल के मसल्स ना, इस पिक के अंदर, इस डायग्राम के अंदर की बात कर रही हूँ। अच्छा, मीडियल कंपार्टमेंट मसल्स बेसिकली कहाँ से अराइज होते हैं, प्यूबिक बोन से। ठीक है, इस चीज़ को अपने याद रखना है कि बेसिकली जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, प्यूबिक बोन से अराइज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट होते हैं हमारे पास इनटू फीमर। अराइज कहाँ से होते हैं, प्यूबिक बोन से अराइज होते हैं। ठीक है, अपने माइंड में आप खुद ही बेशक इमेजिन करें इस चीज़ को, अपनी प्यूबिक बोन और अपने जो फीमर है आपकी, ठीक है, कि हमारे जो प्यूबिक बोन वाला एरिया, वहाँ से बेसिकली ये मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स क्या हैं, वहाँ से इनका और अराइज हो रहे हैं। ठीक है, और आके इंसर्ट कहाँ पे हो रहे हैं, फीमर पे इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर इंसर्टेड इनटू फीमर। ठीक है, एक थ्योरी होती है रबर बैंड थ्योरी। ठीक है, आप वो दिमाग में इमेजिन कर लें। ठीक है, रबर बैंड का आपको पता होगा कि क्या होता है, कि इलास्टिक बैंड सा होता है। ठीक है, इस रबर बैंड की थ्योरी का कहने का क्या मतलब है, बेसिकली वो ये मतलब है इसका कि व्हेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस मसल शुड ब्रिंग थाई टूवर्ड्स द मिड लाइन और अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, अगर ये मसल्स या ये मसल क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये मीडियल कंपार्टमेंट में कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मसल क्या करेगा, आपकी थाई है, ठीक है, उसको टूवर्ड्स द मिड लाइन लेके आएगा या अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेके जाएगा। अब आपने इसको सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या होगा कि टूवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, कहाँ पे लेके आएगा कॉन्ट्रैक्ट होके ये मसल थाई को, टूवर्ड द मिड लाइन। जैसा कि ये एडिशन कर रहे हैं लिम्ब का टूवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, लाइक दे आर एडिंग द लिम्ब, योर लोअर लिम्ब टूवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, एंड एडिंग मीन्स क्या होता है, एडक्शन। अगर हम लोअर लिम्ब के हवाले से एडिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कर रहे हैं एडक्शन। ठीक है, आपके लिम्ब को कहाँ लेके आएगा, मिड लाइन की तरफ, एडक्शन की तरफ लेके आएगा। ठीक है, और ये क्या कॉज करेंगे हमारे पास, एक्शन एडक्शन का। इसलिए हम इस कंपार्टमेंट को एडक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इन मसल्स को हम एडक्टर मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा,
दिस मसल शुड ब्रिंग थाई टूवर्ड्स द मिड लाइन, टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारी एडक्शन होगी, ठीक है, इसलिए हम इनको एडक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, हमारे ये एडक्टर मसल होते हैं। और उन एडक्टर मसल्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, बेसिकली फाइव मसल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, सिक्स होते हैं, फाइव भी होते हैं, ठीक है। मेन इसके जो तीन मसल्स हैं वो इसके एडक्टर मसल्स हैं, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। और चौथा मसल इसमें पेक्टिनियस है और फाइव है ग्रेसिलस, ठीक है। और इसमें एक ऑब्टुरेटर एक्सट्रेस मसल भी होता है, ठीक है। बेसिकली इसके मेन ये फाइव मसल ये इसके मेन ही हैं। एडक्टर लॉन्गस जो होता है इसमें हमारे पास वो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ लॉन्ग मसल, ठीक है, लॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब ये लॉन्ग मसल होगा। उसके बाद हमारे पास एडक्टर ब्रेविस है, ठीक है। एडक्टर ब्रेविस का क्या है कि ये हमारे पास स्मॉल मसल है, ठीक है। एनाटॉमी में कहीं भी ब्रेविस का वर्ड आएगा तो उसका क्या मतलब होगा कि स्मॉल है। उसके बाद एडक्टर मैग्नस है हमारे पास, ठीक है। एडक्टर मैग्नस क्या होता है, ये बेसिकली वेरी वेरी लार्ज है इन शेप। जो एडक्टर मैग्नस है हमारे पास ये बेसिकली क्या है, वेरी वेरी लार्ज होता है इन शेप, ठीक है। एडक्टर मैग्नस एक्स्ट्रा लार्ज होता है। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है इन मसल से रिलेटेड, LBM, ठीक है। LBM क्या चीज़ है, लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट सीक्वेंस है ऑफ मसल्स इन फीमर, ठीक है, इन प्यूबिक बोन, ठीक है, एवरीवेयर, सब जगहों पे क्या है हमारे पास एक एग्जैक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या है, LBM, ठीक है, लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस। तो इस सीक्वेंस को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस वाला, लॉन्गस हमेशा लॉन्ग मसल होगा, ब्रेविस हमेशा शॉर्ट स्मॉल होगा, ठीक है। और जो मैग्नस है वो क्या होगा हमारे पास, लार्ज होगा शेप के अंदर, ठीक है। और अगर हम दूसरे इस कंपार्टमेंट दूसरे मसल्स देखें वो कौन से हैं इन तीनों के अलावा, ये तो तीनों एडक्टर मसल्स थे, ठीक है। और चौथा इसमें है पेक्टिनियस का हमारे पास, ठीक है। और फिफ्थ है हमारे पास ग्रेसिलस। सो दीज आर द फाइव मसल्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन मेडियल कंपार्टमेंट और एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। उसके बाद इसमें हमारे पास नर्व आती है, ठीक है। वो कौन सी नर्व है, ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है, विच पासिस थ्रू बेसिकली फ्रॉम द ऑब्चुरेटर फोरामेन। दैट्स वाई इसको हम क्या है, ऑब्चुरेटर नर्व का नेम दे दिया गया है, ठीक है। इट इज़ द नर्व ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है। यह हमारे पास जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है, ठीक है, वहाँ से क्या है हमारे पास ये नर्व पास करती है, ठीक है। और मेन इसकी मेन नर्व है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, क्या है ऑब्चुरेटर नर्व, क्या है इसकी मेन नर्व है। इन सबको क्या है, यही सप्लाई कर रही होती है। और इसमें आपको क्या है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है अबाउट एनी मसल, आपको मसल का नेम दिया गया और पूछा गया हो कि कौन सी नर्व इनको सप्लाई कर रही है, ठीक है, इस मसल को। जैसा कि मैं आपसे इलेक्ट्रो मैग्नस का पूछ लूँ, ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नस है तो बताएं कि इसको कौन सी जो वो है सप्लाई कर रही है नर्व। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो मैग्नस जो है वो किस का मसल है, इंटीरियर का है, पोस्टीरियर का है या मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ याद होगी कि किस कंपार्टमेंट का है तो आपको नर्व भी याद होगी। तो इलेक्ट्रो मैग्नस किस कंपार्टमेंट का, मीडियल कंपार्टमेंट का, ठीक है। अर्थ कौन से ही हो, इसकी मेन नर्व है बेसिकल सप्लाई कर रही है, वो है इसकी ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। तो आप किस पे टिक करोगे, हम सुखो में ऑब्चुरेटर नर्व पे। तो और इनका मेन एक्शन होता है इन मसल्स का क्या होता है, जैसा कि इनका नेम इंडिकेट कर रहा है, एडक्टर एडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, एडक्शन ऑफ थाई होगा जो इसका एक्शन है, जो इसका फंक्शन है ऑफ दिस मिडल कंपार्टमेंट। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी यहाँ पे, लंबर से रिलेटेड है वो, ठीक है।
उसमें क्या लंबर प्लेक्सिस से थोड़ी सी रिलेटेड है वो, कि लंबर प्लेक्सिस के हमारे पास क्या क्या उसमें आता है, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ना दो हैं इसकी पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है, ये मैं लंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक इसका इंटीरियर पोर्शन है, एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है बेसिकली कि जो L1 और L1 है, ठीक है, L1 से हमारे पास दो जो है वो अराइज हो रही है नर्व, ठीक है। वो कौन कौन सी हमारे पास, इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। और लंबर के किस पार्ट से हो रही है, एंटीरियर पार्ट से अराइज हो रही है या वहाँ से, ठीक है। दो हमारे पास नर्व्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। ये दो नर्व्स हमारी L1 के एंटीरियर साइड जो है वहाँ से क्या है अराइज हो रही है, ठीक है। उसके बाद और इन दोनों नर्व की हमारे पास रूट वैल्यू क्या है, L1 है। और उसके बाद अगर हम देखें तो L2, L3 और L4 जो है, ठीक है, L2, L3, L4 में से जो है हमारे पास जो है वो ऑब्टुरेटर नर्व अराइज हो रही है, ठीक है। कौन सी नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व अराइज हो रही है, ठीक है, लेकिन एंटीरियर साइड से। और फीमोरल नर्व, ठीक है, इसी के L2, L3, L4 के क्या है लंबर प्लेक्सिस के L2, L3, L4 के पोस्टीरियर साइड से वो अराइज हो रही है हमारे पास, ठीक है। L2, L3, L4 के एंटीरियर साइड से क्या है हमारे पास, ऑब्टुरेटर नर्व, ठीक है, अराइज हो रही है। और L2, L3, L4 के पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास क्या है, फीमोरल नर्व अराइज हो रही है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों नर्व जो हैं वो इसी सेम लंबर से क्या हैं, L2, L3, L4 से क्या है हमारे पास निकल रही हैं, लेकिन जो ऑब्टुरेटर नर्व है वो एंटीरियर साइड से, ठीक है, और जो जो फीमोरल नर्व है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड से क्या है अराइज हो रही है। और इन दोनों का हमारे पास जो रूट वैल्यू है वो सेम है, इन दोनों नर्व्स की रूट वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है। कौन सी रूट वैल्यू, L2, L3, L4, ठीक है, इन दोनों की रूट वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है। तो क्या हुआ कि जो ये ऑब्टुरेटर नर्व है हमारे पास, इट इज़ द चीफ नर्व ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है, वेयर इट इज़ ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस एंड इट इज़ फाउंड बाय वेंट्रल रैमाई, ठीक है, एंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स L2, L3, L4, ठीक है। बेसिकली क्या है हमारे पास, ऑब्टुरेटर नर्व ये चीफ नर्व है हमारे पास ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, ठीक है, जो कि L2, L3, L4 से क्या है निकल रही है। और ये क्या है हमारे पास, इट इज़ द ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस एंड इट इज़ फॉर्म बाय वेंट्रल रैमाई, ठीक है, और इंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, कौन कौन स्पाइनल नर्व्स, L2, L3, L4। अच्छा, उसके बाद हम लोग थोड़ा अपने मसल को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उनके ओरिजिन, इंसर्शन और उनके एक्शन और नर्व रूट्स, ठीक है। ग्रेसलेस है, ठीक है, ग्रेसलेस के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है हमारे पास, इन्फीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस, रैमस ऑफ ईशियम, ठीक है, यहाँ से इसका क्या है ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया ऑन इट्स मीडियल सरफेस, और इसका एक्शन हमारे पास क्या होगा, एडक्शन ऑफ थाई, ठीक है, और फ्लेक्शन ऑफ लेग। थाई रीजन पे क्या है, एडक्शन होगी, ठीक है, इन सब मसल्स की हमारे पास थाई रीजन पे क्या है, एडक्शन होगी, ठीक है, और जो हमारी लेग है उस पर ये फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है, लेग पे फ्लेक्शन होगी, ठीक है। इस डिफरेंस को आपने याद रखना है,
लेग और थाई को कंफ्यूज नहीं करना आपस में, और नर्व सप्लाईज की ऑब्टुरेटर नर्व। उसके बाद हमारा दूसरा मसल जो है वो इरेक्टर लॉन्गस है, ठीक है, बॉडी ऑफ प्यूबिस से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर पे, एडक्शन ऑफ थाई एंड असिस्टेंस लेटरल रोटेशन। और इसकी नर्व कौन सी है हमारे पास, ऑब्टुरेटर नर्व। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। एडक्टर ब्रेविस हमारे पास क्या है कि शॉर्ट मसल है, ठीक है, लाइंग अंडरनीथ द एडक्टर लॉन्गस। ये एडक्टर लॉन्गस के नीचे पड़ा होता है, ठीक है, और ये शॉर्ट मसल है हमारे पास। इंटीरियर और जो पोस्टीरियर डिवीजन है ऑब्टुरेटर नर्व की, ठीक है, ये उनके दरमियान होता है। तो अटैचमेंट इसकी कौन कौन सी होंगी हमारे पास, इसका ओरिजिनेशन हमारे पास कहाँ से होगा, फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबिस, ठीक है, एंड इन्फीरियर प्यूबिक रेमाए, इट अटैचेस टू द लीनिया स्पर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर प्रॉक्सिमल टू इडक्टर लॉन्गस। और इसका जो इंसर्शन है हमारे पास कहाँ है, पोस्टीरियर सरफेस शाफ्ट ऑफ फीमर पे। और एक्सेंस का क्या है, इरेक्शन ऑफ थाई है, ठीक है, एंड असिस्ट इन लेटरल रोटेशन। लेकिन का मेन एक्शन एडक्शन ऑफ थाई ही है, ठीक है। और इसके इनर्वेशन कौन सी है हमारे पास, ऑब्टुरेटर नर्व L2 L4, ठीक है। यहाँ पे रूट नर्व वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन आपकी बुक्स में लिखी हुई है। नहीं, मेरे ख्याल आपकी इस बुक में भी नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाए इनकी, ठीक है। मैं स्टार्ट से दोबारा बता दूँ ज़रा, मैंने बुक देखी तो उसमें इनका रूट नर्व जो है वो नहीं लिखी हुई आपके बीडी वाले बुक में, ठीक है। यहाँ मसल दिए हुए हैं, ओरिजिन दिया हुआ, इंसर्शन, नर्व सप्लाई दी हुई है इनकी, और एक्शन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, लार्जेस्ट मसल है इन द मिडिल कंपार्टमेंट, इट लाइज पोस्टीरियर टू अदर मसल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, लार्जेस्ट मसल है, ठीक है। और बेसिकली ये दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ठीक है। इसका पार्ट टू, एक होता है इलेक्ट्रो पार्ट होता है इसका, एक होता है इसका हैमस्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो पार्ट में क्या है कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इन्फीरियर रेमा ऑफ प्यूबिस एंड रेमा ऑफ इश्कियम अटैचिंग टू लीनियस पेर्सा ऑफ फीमर। और जो उसका हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो क्या है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इशियल ट्यूब्रोस्टी एंड अटैचेस टू द एडक्टर ट्यूबरकल एंड मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन ऑफ फीमर। ये इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें अटैचमेंट में, ठीक है, ओरिजिन और इंसर्शन में। एक इसका एडक्टर पार्ट है और क्या है इसका, एक हैमस्ट्रिंग पार्ट है। और इसका एक्शन क्या है हमारे पास, दे बोथ एडक्ट द थाई, द एडक्टर कंपोनेंट आल्सो फ्लेक्सिस द थाई विद द हैमस्ट्रिंग पोर्शन एक्सटेंडिंग द थाई, ठीक है। और जैसी इनर्वेशन है हमारे पास वो कौन कौन सी है, एडक्टर पार्ट इज इनर्वेटेड बाय द ऑब्टुरेटर नर्व, ठीक है, L2 to L4, ठीक है, L2 to L4। द हैमस्ट्रिंग पार्ट इज इनर्वेटेड बाय द टीबियल कंपोनेंट ऑफ शियाटिक नर्व L4 to S3, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की आपको नर्व सप्लाई ये बता रही हूँ, इसकी रूट वैल्यू, ठीक है, जो उसका एडक्टर पार्ट है वो क्या है उसमें L2 to L4, ठीक है, और जो उसका हैमस्ट्रिंग पार्ट है उसमें क्या है L4 to S3। उसके बाद हमारे पास इलेक्टर लॉन्गस है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस इज़ अ लार्ज फ्लैट मसल, ठीक है, ये लार्ज मसल है और फ्लैट मसल है हमारे पास, और इट्स पार्शली कवर द एडक्टर ब्रेविस एंड मैग्नस, ठीक है, जो एडक्टर ब्रेविस और मैग्नस है, ठीक है, उनको कवर करता है ये। द मसल फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल।
और जो फीमोरल ट्राइंगल है ठीक है उसका मीडियल बॉर्डर बनाता है ये इलेक्टर लॉन्गस। और इसकी अटैचमेंट क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है हमारे पास, फ्रॉम द प्यूबिस एंड एक्सपैंड इनटू फैन शेप अटैचिंग ब्रॉडली टू लीनस पेट्सा ऑफ फीमेल। ठीक है, प्यूबिस से क्या है ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमेल पे क्या है इसका इंसर्शन होता है। एक्शन में क्या है, रिडक्शन ऑफ थाई है, ठीक है, और इनर्वेशन नर्व रूट क्या है इसकी हमारे पास, ऑब्टूरेटर नर्व और L2 to L4। इलेक्ट्रो लॉन्गस की क्या है L2 to L4। उसके बाद है इलेक्ट्रो ब्रेविस, इसका हम लोग देख चुके हैं कि ये शॉर्ट मसल है, ठीक है, और इसकी जो नर्वेशन है वो क्या है, ऑब्टूरेटर नर्व और L2 to L4। इसकी भी यही है जो इलेक्ट्रो लॉन्गस की है, इलेक्ट्रो ब्रेविस की भी यही है L2 to L4। उसके बाद ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है हमारे पास, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस में क्या है कि दिस इज वन ऑफ द स्मॉलर मसल ऑफ मीडियल थाई एंड लोकेटेड मोर सुपीरियरली, इस सबसे स्मॉल होता है, ठीक है, और सुपीरियरली पड़ा होता है ये सारे मसल्स के ऊपर, ठीक है, और इसकी ओरिजिनेशन क्या होती है हमारे पास, फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन एंड एडजेसेंट बोन, ठीक है, इट पासिस अंडर द नेक ऑफ फीमर अटैचिंग टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, और जिनेट होता है हमारे पास फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है, और पास करता है नेक ऑफ फीमर के नीचे से, ठीक है, अटैचिंग टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, और इसका एक्शन क्या है हमारे पास, एडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। इसकी इनर्वेशन क्या है हमारे पास, ऑब्टूरेटर नर्व और नर्व रूट नर्व वैल्यू क्या है हमारे पास, L2 to L4। उसके बाद हमारे पास है ग्रेसिलस है, ग्रेसिलस इज द मोस्ट सुपरफिशियल एंड मीडियल ऑफ मसल इन दिस कंपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल ऑब्टूरेटर से भी ऊपर क्या है ये ग्रेसिलस होता है, इट क्रॉसेस एट बोथ द हिप एंड नी जॉइंट्स, ये क्रॉस करता है हमारे पास हिप और नी जॉइंट से, ठीक है, इट इज समटाइम्स ट्रांसप्लांटेड इनटू द हैंड और फोरामेन टू रिप्लेस अ डैमेज मसल, ठीक है, इसको ग्रेसिलस मसल जो है बेसिकली इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, कोई भी डैमेज मसल होता है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए बेसिकली वहाँ पे यह ग्रेसलेस का यूज़ होता है, ठीक है, फोर आर्म या हैंड वाली साइड पे, ठीक है, और इसका ओरिजिनेशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम द इंफीरियर रैमाई ऑफ प्यूबिस, ठीक है, या बॉडी ऑफ प्यूबिस, और डिसेंडिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन द लेग, इट अटैचेस टू द मीडियल सर्फेस ऑफ टीबिया बिटवीन द टेंडन्स ऑफ सार्टोरियस एंड द सेमीटेंडन पोस्टीरियरली, ठीक है, और इसका इंसर्शन हमारे पास अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया ऑन इस मीडियल सर्फेस पे हो रहा होता है, ठीक है, ये जाके अटैच करता है हमारे पास मीडियल सर्फेस ऑफ टीबिया पे, ठीक है, बिटवीन द टेंडन्स ऑफ, ठीक है, सार्टोरियस मसल एंड सेमी टेंडनस मसल, ठीक है, वहाँ पे जाके क्या है इसका अटैचमेंट हो रही होती है, और ये दोनों मसल्स किसके थे हमारे पास, इंटीरियर कंपार्टमेंट के, जहाँ पे जाके ग्रेसलेस क्या है इंसर्ट हो रहा होता है, और इसका एक्शन क्या है हमारे पास, एडक्शन ऑफ थाई है, ठीक है, एट हिप एंड फ्लेक्शन ऑफ लेग, और इसकी नर्व वैल्यू है वो है L2 to L4 और ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है, L2 to L4। ओके, और जो अगर हम इसकी इंजरी का इंजरी डिस्कस करें डॉक्टर मसल्स की, ठीक है, बेसिकली मोस्टली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जो ग्रोइंग एरिया में क्या है इसकी इंजरीज होती हैं, ठीक है, डैट रिक्वायर एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स और एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग, ठीक है, इसमें बेसिकली मसल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, एथलीट्स में या स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या है बेसिकली स्ट्रेचिंग रिक्वायर करते हैं इस मसल की,
और इसके अलावा यही इसके मसल्स हैं, मेन मसल्स, और ये इजी हैं इन सब की। L2 टू L4 एक ही उनकी वो वैल्यू है, ठीक है। नर्व इनकी एक ही है, एक्शन इन सब का एक ही है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा इनके क्या है कि वो डिफरेंस है उसमें ओरिजिन और इंसर्शन में, लेकिन वो भी सारा क्या है, इजी है, मुश्किल नहीं है। मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है, इनको हम हिप एडेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सम रोटेशन एंड फ्लेक्शन, ठीक है, करवाते हैं। इनर्वेटेड बाय द ऑब्टेटेड नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, ब्लड सप्लाई बाय ब्रांचेस ऑफ टी फीमोरल आर्टरी एंड ऑब्टेटर आर्टरी। और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड द एडक्टर कंपार्टमेंट बिकॉज द मेजर एक्शन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मसल इज एडक्शन ऑफ थाई एक्सेप्ट फॉर द हैमस्ट्रिंग पोर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस विच परफॉर्म एज अ हैमस्ट्रिंग एंड इज सप्लाइड बाई डिफरेंट नर्व इन द ऑब्टेटर विच सप्लाइज द मसल ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट। और इसमें हमारा ब्लड सप्लाई ऑब्टेटर आर्टरी है, ठीक है, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इनर्वेशन हमारे पास कौन सी ऑब्टेटर नर्व है, ठीक है, L2 टू L4 है, ठीक है, और L2 L3 L4। और टिबियल नर्व इसमें हमारे पास है टू हैमस्ट्रिंग पोर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस के लिए टिबियल नर्व सिर्फ, ठीक है। और एक्शन क्या है इसका, एडक्शन, ग्रेसलेस, लॉन्गस, ब्रेवियस, मैग्नस एंड ऑब्टेटर एक्सटर्नस, ठीक है, ये इसके मसल्स हैं, ठीक है। और एक पेक्टिनियस भी है। ये इस तरह से मसल जो हैं हमारे मीडियल कंपार्टमेंट साइड पे क्या है, पड़े होते हैं, अटैच होते हैं, सॉरी। और यही था हमारा आज का लेक्चर। और ये तकरीबन आपका जो फोर्थ चैप्टर है इसमें सिर्फ यही है, मीडियल थाई के जो है मसल्स जिक्र किए हैं इसके अंदर। और ये तकरीबन चैप्टर फोर भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। और इसमें हमारे पास, मैंने बुक खोली हुई आपकी, ठीक है, बुक में हमारे पास जो है ये जो, अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको नंबर का बता रही थी इसमें, ठीक है, ये आपकी बुक में एसेसरी अपडेटेड नर्वस देख के मुझे याद आया, ठीक है, कि जो हमने देखा था कि L2, L3, L4 क्या है हमारे पास, अराइज कर रही थी ऑब्टेटर नर्व इंटीरियर साइड पे, ठीक है, और फीमोरल नर्व कर रही थी पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। और L1 और L2 जो है, ठीक है, L1 और L2 इंटीरियर पार्ट पे हमारे पास एक नर्व है जेनिटो फीमोरल नर्व, ठीक है, उसको अराइज करेंगे, ठीक है, जेनिटो फीमोरल नर्व L2 और L1 और L2 से क्या है इंटीरियर साइड पे हमारे पास जेनिटो फीमोरल नर्व अराइज हो रही है, ठीक है। और L3 और L4 जो है एसेसरी ऑब्टेटर नर्व है, ठीक है, ये वहाँ से अराइज हो रही है L3 और L4 के एंटीरियर पार्ट से, एंटीरियर साइड से जो एसेसरी ऑब्टेटर नर्व है, ठीक है, वो अराइज हो रही है, ठीक है। कौन सी नर्व, एसेसरी ऑब्टेटर नर्व। और इसके जो ऑब्टेटर नर्व है आपकी बुक में, ठीक है, इसका आपने कोर्स याद रखना है, ठीक है, छोटा सा कोर्स है इसका, ये पेज नंबर 69 पे है। और ऑब्टेटर नर्व का भी वही है कि द चीफ नर्व वो मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है, और इसका ओरिजिन और रूट वैल्यू, ठीक है, लंबर प्लेक्सिस, ठीक है, और वही इंटीरियर प्राइमरी रैम है, स्पाइनल नर्व्स की वही है L2 L3 L4, ठीक है, ये भी हमें देख लें, ठीक है। और इसको याद रखना कि इट एंटर द थाई बाय पासिंग थ्रू द ऑब्टेटर कैनाल, ठीक है, और छोटा सा इसका कोर्स और रिलेशन दिए हुए थाई में, ठीक है, इसका कोर्स आपने देख लेना है, कोर्स जिन्होंने याद रखना है, लेकिन ये हैं छोटे छोटे कोर्सेस के, लंबे लंबे नहीं हैं, खासतौर पर ऑब्टेटर आर्टरी का, ठीक है, एसेसरी ऑब्टेटर नर्व का।
और ठीक है, यही आज का आपका लेक्चर है, ठीक है, ओके, थैंक यू।